पहले गियर में ही गाड़ी चल रही है, दूसरा गियर तो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम आए हैं शिव जी के मंदिर। ये है स्टोन शिव टेंपल जो कि है चैल में, चैल हिमाचल प्रदेश। तो भाई ये बहुत ही पुराना मंदिर है और आप इसको देखोगे ना कि बहुत डिफरेंट तरीके से बना हुआ है ये। और ये मंदिर बनाया गया था क्योंकि ये किसी के सपने में आया था, इसलिए मंदिर बनाया गया था। तो बाकी आप व्लॉग को देखो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी जा रहे हैं भाई हम शिव जी के मंदिर में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यही है रास्ता भाई शिव जी के मंदिर का। भाई साहब कैसा रास्ता है। देखो रास्ता बहुत ज्यादा संकरा है और चढ़ाई भी काफी स्टीप है। भाई पूरा रास्ता चढ़ाई चढ़ाई का ही है। पहले गियर में ही गाड़ी चल रही है, दूसरा गियर तो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ। जो है ना वो बहुत ज्यादा डेंजर है। तो मतलब आप देखो बिल्कुल पतली सी संकरी सी रोड है, वो भी टूटी फूटी। तो हम तो भाई ये डिसीजन ले रहे हैं कि गाड़ी को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं और रास्ता है, क्योंकि क्या पता कोई आए ना आए, इसलिए गाड़ी यहाँ खड़ी कर देंगे अपने साइड में और यहाँ से चलते हैं पैदल। ठीक है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि गाड़ी निकल जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैक करके ना वहां घुसा देता हूँ गाड़ी। तो भाई गाड़ी हमने छोड़ दी अपनी वहां पे और अभी हम चल रहे हैं पैदल। भाई जब यहाँ तक आए थे और शंकर भगवान से ना मिले तो ऐसा ना हो ही नहीं सकता। तो हमने सोचा कि यार यार आप रास्ता देखो भाई, रास्ता कितना खतरनाक है। और ये भी इतनी मतलब पतली सी सड़क है, बहुत पतली सी और चढ़ाई है और ऊपर से रास्ते मुड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार कोई फायदा नहीं है रिस्क लेने का। गाड़ी जो मेरी गाड़ी है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव पे जब हम खासकर ऊपर चढ़ते हैं ना तो दिक्कत आती है। अभी आप देखो कितना ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ता पूरा, एकदम से चढ़ाई है ना ये। हाँ। वो भी दिक्कत की बात है। आगे भी तो देखो कितना एकदम से। हाँ, तो ऊपर 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये, तो कोई भी इस बहाने थोड़ी हमारी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। अरे थक जाएगा ये तो, थक गया ले भाई, उतर तो जाएगा तेजस ना। मतलब सुपर एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड। ये देखो भाई पहुंच गया मंदिर पे। चलो भाई, बोल शंकर भगवान की जय। ये देख रहे हो ये मोड, ऐसे पत्थर, इन पे टायर स्लिप इतना करता है ना, यहाँ पे चढ़ने में ना बहुत दिक्कत हो जाती। सही रहा हमने ये डिसीजन लिया। प्राइवेट, अच्छा ऊपर वाली प्रॉपर्टी प्राइवेट है
और नीचे वाला जो है वो मंदिर है। टेंपल की पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, गाड़ियां तो लेके आते हैं बंदे यहाँ पे ना, पर ठीक है यार मुझे लाना सेफ नहीं लगा। जनरली क्या है कि भाई एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल चलने में मेरे को परेशानी नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा फैमिली जब साथ में होती है ना यार तब वही जाती है। अब अगर यहाँ पे दोस्त होते साथ में तो भाई साहब फिर कहाँ रुक रहे थे हम। भाई ये है मंदिर, अ टेम्पल इन माई ड्रीम। मुझे लग रहा है मंदिर अभी खुला नहीं है शायद, क्योंकि यहाँ तो कुंडी लगी हुई है, इधर भी कुंडी लगी है, देखते हैं। बाकी मंदिर तो बंद लग रहा है मेरे को, ऊपर चल के देखते हैं। कोई नहीं ऊपर तो चलते हैं ना यार, आओ ऊपर आओ। मंदिर में ड्रीम भाई पाइप से कवर किया हुआ है ऊपर से, मतलब ऐसा लग रहा है इन्फिनिटी में चल रहे हैं, अजीब सा ही लग रहा है इनका भी। और ये देखो पैर रखने के लिए कैसे सीढ़ियां से बनाई है। ओ भाई साहब सामने लगाया हुआ है मिरर, थोड़ा यार यूनिक नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पे झोपड़ी टाइप में है, नीचे झुक झुक के जाना पड़ रहा है। लेफ्ट साइड से आना, लेफ्ट से नहीं राइट से चलते हैं, राइट से आ जाओ राइट से। ये तो ये अच्छा, ये मेन कपाट लग रहे हैं मेरे को शायद इनके ना। यार बंद है मंदिर है ना। शिव जी महाराज की जय। अच्छा बंद है ये भी, लो भाई मंदिर तो बंद है, कोई बात नहीं हम यहाँ तक आए भगवान से मिला इतना ही काफी है हमारे लिए। भाई मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हो और शिव जी की मूर्ति देख सकते हो वहां पे स्थापित की हुई इन्होंने, ये मेन मंदिर है। बाकी सामने का व्यू तो भाई आपने देख लिया, एक नंबर भाई साहब यार देख कितना, मतलब कितना ब्लू ब्लू सा ब्लू इस पूरा आसमान, और मतलब सब कुछ कितना परफेक्ट सा लग रहा है ना। ओ तू भी परफेक्ट ही है बेटे मस्तीबाज, तो चलो कोई नहीं यार मजा तो बहुत आया भाई यहाँ पे, अगर हमें मतलब अंदर जाने का मौका मिलता तो और बढ़िया था। शिव जी महाराज की जय। हे शंकर भगवान हे रे नो दीम धूम दर दीम दर दीम धूम दर दीम दर दीम धूम दर दीम धूम दर दीम दर उदनी धनी धन धन उदनी धनी धन धन
भाई, जूते पैर से निकलते हैं। चलो भाई निकल रहे हैं। बाकी अब मंदिर तो यार पूरा बंद ही है। और भाई ये है वीरभद्र गुफा। तो भाई अभी कोई है नहीं, तो अभी वीरभद्र गुफा में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ना जाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर किसी की भाई कोई बोले क्यों गए। बाकी अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। और यार मज़ा बहुत आया, और दर्शन तो हमारे हो ही गए। और अगर यहाँ पे कोई और होता तो फिर हम उस हिसाब से अपना चलते। बाकी कोई बात नहीं, हमारी श्रद्धा भाई, हमने पूजा अपनी करी ली। तो खैर अब निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ तो इसलिए हो सकता है, इसलिए बंद किया हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम किया ना यहाँ पे। भाई साहब आप कितनी तेज नीचे जा रहे हैं, एक बार तेजस को नीचे उतार के देखियो कैसे चल रहा है। तेजस गाड़ी पे ही मिले हो सच में। आराम से तेज मत भाग, पैर पैर फिसल जाएगी। मैं भाग रही हूं, मतलब अल्टीमेटली ज्यादा उस थोड़ा सा बैलेंस करके चल अपने आप को, फिर ना कोई फायदा नहीं। देख कितनी मतलब कितना नीचे जा रहा है, हिल रहा है इतनी तो देखना, खड़ा खड़ा भी हिल रहा है। बाकी भाई यहाँ पे मतलब ये जंगल वंगल से पूरा तगड़ा है, नीचे घाटी है ये पूरी। यार यहाँ पे आना वैसे वर्त है भाई, अगर आपको भाई मौका मिले तो। बाकी देखियो किसे नीचे जाएंगे हम। भाई अपने पैरों को ना रोक रोक के चल रहे हैं, ताकि पूरी स्पीड से आगे ना चले जाए। बाकी यार मजा बहुत आया। पर हाँ अच्छा एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, तो मतलब ये जो मेन बंदे का क्या होता है कि यार हम घूमने जाएंगे, हमें कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या है। जो मेन चैल है वहां से थोड़ी दूर है ये, और उसके बाद में आप अपना ट्रैकिंग करके आओ, और पूरा टाइम आप कितना रुक जाओ कुछ कर लो, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा उससे ऊपर नहीं लगेगा आपका, उसमें सब हो जाएगा। बाकी भाई अभी गाड़ी मैंने साइड में खड़ी की थी, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो